जय श्री राधे। प्रश्नों का निवारण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समझेंगे कि हमें अपने घर में विराजमान ठाकुर श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन हमें कराते हैं। भगवान का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार से एक बच्चे की सेवा की जाती है। जिस प्रकार घर के एक छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात, भगवान को भगवान ना मान करके, लड्डू गोपाल जी को भगवान ना मान करके, आप उन्हें अपने घर का ही एक सदस्य मान करके उनकी सेवा करें। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर 5 लोग हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपके घर में 5 हैं, आप ये समझिए कि आपके घर में 6वें लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो आप 5 ना कहकर के क्या बताएंगे कि हम 6 हैं। ये भाव हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए, ये भाव हमारा लड्डू गोपाल जी के प्रति होना चाहिए कि वो हमारे घर के ही सदस्य हैं। जैसे एक बच्चे की देखभाल होती है, जिस प्रकार एक बच्चे को जगाया जाता है, जिस प्रकार एक बच्चे को खिलाया जाता है, लड्डू गोपाल जी को भी उसी तरह भोग लगाया जाता है, बच्चों की तरह भगवान का ध्यान रखा जाता है। मैं फिर आपको बता दूं, भगवान मानोगे तो वो मिले या ना मिले, लेकिन उसे अगर आप अपने घर का सदस्य मानोगे तो वो जरूर मिलेगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि भगवान केवल प्रेम के वश में है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, और लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें पूरी तरह प्रेम से, भाव से उनकी सेवा को हमें करना चाहिए। प्राय देखा जाता है आजकल माताएं लड्डू गोपाल जी को सिर पर से उठा लेंगे और डुबकी लगाई लोटे में और नहला दिए ठाकुर जी को। इस प्रकार नहीं नहलाया जाता, ठाकुर जी को रोज स्नान करवाएं, उनके स्नान का जो पात्र है वो अलग रखें, जिस बर्तन से जिस लोटे में उन्हें स्नान, लोटे में पानी लेके आते हैं वो अलग रखें, बिठाने के लिए एक अलग से कटोरा या कटोरी या थाली में आप उन्हें बिठा करके प्यार से, और जैसे एक बच्चे को नहलाते हैं ना, उस प्रकार ठाकुर जी को नहलाएं। नहला करके फिर ठाकुर जी को उनके लिए एक अलग से टावल रखें जो ठाकुर जी को आप पहुंच करके लड्डू गोपाल जी को फिर उनके वस्त्र धारण करवाएं, बड़ा प्यारा श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का करें। आप इतनी सेवा करें, बड़े देख देख करके सजाना है ठाकुर जी को, उनके केसों की सज्जा करनी है, उनको मुकुट सजाना है, उनको तिलक धारण कराना है, सिंहासन पर बिठाना है, बैठने का सिंहासन अलग रखें और ठाकुर जी के शयन का जो सिंहासन होता है, जो बेड होता है, वो अलग रखें। इस प्रकार ठाकुर जी, ये समझ लीजिए कि वो आपके घर के एक बालक है, वो आपके घर में एक बच्चा है। एक कथा आप सब लोग जानते हैं, भजन के माध्यम से पूरी दुनिया में वो बहुत प्रचलित हुआ, जो एक दिल्ली के रहने वाली माता वृंदावन से एक छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर के जाती हैं और वो उसकी सेवा पूजा किया करती हैं। एक दिन वो अस्वस्थ होने के कारण अपनी बहू से कह दिया ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, और उस बहू के हाथ से वो विग्रह जब गिर गया तो डॉक्टरों की लाइन लगवा दी थी। डॉक्टर को भी लगा पागल है, बेटे को भी लगा माँ पागल है, लेकिन जब डॉक्टर ने उसके ठाकुर जी के श्री विग्रह के दिल पर चेक किया तो दिल धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि उस माँ के भाव में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं थी। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उतने ही प्रेम से करनी चाहिए। भगवान को प्रेम से खिलाएं, प्रेम से सुलाएं, इस प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। आप अगर उन्हें सखा मानते हो तो सखा भाव से, क्योंकि भक्ति में संबंध बहुत जरूरी है। देखिए, आप कोई भी संबंध भगवान से बनाइए, लेकिन हमारा भगवान से कोई ना कोई संबंध होना बहुत आवश्यक है। लड्डू गोपाल जी को चाहे आप अपना पुत्र बना लो, चाहे आप अपना भाई बना लो, या आप अपना मित्र बना लो, जो भी संबंध आप उन्हें देना चाहते हैं वो संबंध आप उन्हें दीजिए, लेकिन बिना संबंध के आपकी भक्ति जो है वो हो नहीं सकती है।
क्योंकि जितने भी भक्त हुए हैं सबने कोई ना कोई संबंध भगवान से जरूर बनाया है। मीराबाई से पूछा कि तेरा कौन है कृष्ण, तो उसने खुलकर के कह दिया कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक उसी तरह गोपियों का भी संबंध था, कर्माबाई का भी संबंध था, सबका जब भगवान से कोई ना कोई संबंध था, लेकिन हमारा अगर भगवान से कोई संबंध नहीं है तो वो भगवान हमें कैसे मिलेगा। भक्ति में संबंध की बहुत आवश्यकता है। अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर का सदस्य माने, अपना संबंध उनसे बनाएं, और जैसे आप उस संबंध के प्रति समर्पित हैं वैसे ही फिर ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आप उन्हें अपना बालक मान रहे हो, लड्डू गोपाल जी के विग्रह की सेवा कर रहे हो, तो बच्चे की तरह उनकी सेवा करें। वो कोई पीतल की मूर्ति उसे ना समझे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कभी कभी पीतल की मूर्ति की तरह सोचते, पीतल है और घस घिस करके उन्हें नहलाते हैं, कोई पीतांबरी लगाता है, कोई किसी चीज से नहलाता है। ठाकुर जी को पीतांबरी से नहीं नहलाइए, क्योंकि पीतांबरी से पीतल धातु को नहलाया साफ किया जाता है, और भगवान वो आपके भगवान है, वो आपका लाला है, आपके गोपाल जी है, आपका अपना, आपके घर के किसी व्यक्ति को आप मांझते नहीं हो इस प्रकार पीतांबरी से। पीतल वो धातु नहीं है, आप उन्हें प्यार से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया जाता है, पंचामृत अभिषेक उनका किया जाता है। इस प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए।